नमस्कार सभी मित्रों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। इस सप्ताह तीन कंपनियों के IPO पर दांव लगाने का मौका देखते हैं अन्य डिटेल्स। कब खुलेगा इन कंपनियों का IPO? तो शेयर बाजार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार सरब कंपनी, सुला वाइनयार्ड और अंबस समूह की फाइनेंस सर्विस यूनिट अंबस होल्डिंग्स का IPO 12 दिसंबर को खुलेगा, यानी कि आज। वहीं वाहन डीलरशिप और लेंडरशिप लैंडमार्क कार्स की आरंभिक शेयर की 13 दिसंबर से शुरू होगी, ठीक है। तो ये सुला वाइनयार्ड और अंबस आज खुलेगा और जो वाहन डीलरशिप लीडरशिप लैंडमार्क की है, ठीक है, उनका कल खुलेगा IPO। पहला शेयर देखें तो सुला वाइनयार्ड्स IPO प्राइस डिटेल्स देखें तो सुला वाइनयार्ड का IPO पूरी तरह से प्रमोटर्स, निवेशकों और अन्य शेयरधारकों की ओर से कुल 2,69,532 इक्विटी शेयरों का बिक्री पेशकश के रूप में होगा। कंपनी ने IPO के लिए 340 से 357 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। मूल्य दायरे के ऊपर स्तर पर IPO से 960.35 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है और ये आज ओपन हो रहा है। दूसरा शेयर है अंबस होल्डिंग IPO प्राइस डिटेल देखें तो अंबस होल्डिंग IPO के तहत 38 लाख नए शेयर जारी करेगी। इसके अलावा कंपनी के प्रवर्तक अभिषेक बंसल 9 लाख शेयरों की बिक्री पेशकश लाएंगे। कंपनी ने IPO के लिए 256 से 270 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया है। मूल्य दायरे के ऊपरी स्तर पर IPO से 345.6 करोड़ रुपये जुटेंगे। IPO 15 दिसंबर को बंद होगा। तीसरा है लैंडमार्क प्राइस IPO बैंड डिटेल्स। लैंडमार्क कार्स के 552 करोड़ रुपये के IPO के तहत 150 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी किए जाएंगे और 402 करोड़ रुपये की बिक्री पेशकश लाई जाएगी। IPO के लिए प्राइस बैंड 481 से 506 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। तीन कंपनियों के शेयर BSE और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध होंगे। निवेशकों को लेकर एक्सपर्ट की क्या है राय? मार्केट माइस्टो के संस्थापक और निदेशक अंकित यादव ने कहा कि तीनों IPO ऐसे समय आ रहे हैं जबकि ब्याज दरें ऊंची है। सामान्य तौर पर कम ब्याज दरों के परिदृश्य में IPO के जरिए कमाई का अवसर अधिक होता है। उन्होंने कहा ऐसे में आज उच्च दरों के दौर में जो कंपनियां IPO ला रही है उनका आधार मजबूत होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। शेयर मार्केट के रिलेटेड ऐसी न्यूज़ हर रोज़ आपको यहाँ मिलती रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।